आज का समाज पहले से काफी उन्नत हो चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, समाज निरंतर विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो समाज की रूढ़िवादी सोच और मानवहीनता का काला चिट्ठा खोल कर रख देती हैं। कोई माँ इस कदर कैसे कठोर हो सकती है कि अपने नवजात बच्चे को झोले में भरकर नाले के किनारे फेंक कर चली जाए। यह घटना अत्यंत ही दुखद और विचलित कर देने वाली है। घटना रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के खजूर गांव की है। रायबरेली में सपा विधायक के आवास से चंद कदम की दूरी पर नवजात का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही शव को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। शव को झोले में भर कर फेंका गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला लालगंज थाना क्षेत्र इलाके के खजूर गांव का है। यहां सपा विधायक के आवास के पास ग्रामीणों ने झोले में भर कर फेंके गए शव को देखा तो सकते में आ गए। देखते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर ग्रामीणों में शव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई जन्म देने वाली माँ को कोस रहा है तो कोई इसे पाप छिपाने की कोशिश बता रहा है। भले ही यह घटना किसी एक छोटे क्षेत्र की एक गांव की है, लेकिन यह घटना सरकार के चलाए जा रहे अनेकों सालों के प्रोग्राम्स को, जो लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं, उनकी पोल खोलती हैं और दिखाती है कि आज के शिक्षित समाज में भी रूढ़िवादी सोच समाज को किस प्रकार भीतर ही भीतर खोखला करने पर तुली हुई है। इस समाज में कितनी मानवहीनता है, इसे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। भैया, हम गांव का भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति द्वारा मुझे पता चला कि खजूर गांव में एक घटना घटित हो गई है। तो हमने कहा उस घटना को जाके देखते हैं। तो हमने आके उस स्थान को देखा तो जिसने भी ये कार्य किया है बहुत ही, एक बच्चा जो है करीब 7-8 महीने का बच्चा है जो घटनास्थल पे हमको देखने को मिला, और लगता है कि वो एक दो दिन पहले से फेंका गया है। और जिसने भी ये कार्य किया है वो बहुत घृणित कार्य है, क्योंकि ये नवदुर्गा पूजन कार्य समय चल रहा है और इस महीने में लोग मंदिर मंदिर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए लोग दुआएं मांगते हैं, तथा जिनको बच्चा नहीं होता है वो मंदिर मंदिर जाके माथा टेकते हैं कि ईश्वर हमें एक बच्चा दे दे। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी हमें जो है मंदिर में माथा टेकते हैं, और जिसने भी ये कार्य किया है घृणित कार्य है, घृणित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। और बच्ची है कि बच्चा? और उस वो जो हमने देखा है दृश्य, वो बच्ची है। अब पता नहीं किसने ऐसा कृत्य किया है, ये अब पता नहीं है।